नमस्कार। इन बीसीएन के सभी दर्शकों का मैं इस वक्त स्वागत करता हूं। इस वक्त सारा देश जो है कोरोना से जूझ रहा है। पार्श्वभूमि ऐसी है जहां पर हम कुछ चीजें सोचने को मजबूर हैं। कई जगह ऐसी है, कई क्षेत्र ऐसे जहां पे एक अलग ही माहौल इस वक्त बन चुका है, लेकिन कुछ टिप्पणियां या कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर बातचीत करना कई बार अनिवार्य हो सकता है। आज का जो हमारे महाचर्चा का विषय है वो विषय है दूरदर्शन की आज की अवस्था और इसकी उपलब्धियां। और जब बात दूरदर्शन की हो तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बदलाव जो है ये शाश्वत होता है। बदलाव के साथ में जो चीज नहीं बदलती वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। दूरदर्शन के इस विषय पर बात करने के लिए दूरदर्शन का एक बेहतरीन अनुभव रहे हुए अगर महानुभव से हम बात करें तो ये चर्चा कुछ और ही लेवल पर होगी। जी हाँ, आज इस चर्चा में मेरे साथ जो महानुभव शामिल है मैं बारी बारी उनका परिचय आपको करवा दूं। आज हमारे साथ में यहाँ पर है मराठी चित्र सृष्टि के बेहतरीन आर्टिस्ट अरुण नलावड़े जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ अरुण सर। हमारे साथ में है प्रमोद कपूर साहब, वो भी टीवी के माध्यम से और चित्र जगत के माध्यम से लोगों से परिचित है। आपका भी स्वागत है प्रमोद सर। नमस्कार। हमारे साथ में है आर्टिस्ट रजनी चंद्रा जी। आपका भी मैं रजनी जी स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आप सभी को अपने बातों को शुरुआत करने से पहले अपना छोटा सा आपकी जर्नी भी आपको बतानी है। हमारे साथ में है मराठी चित्र सृष्टि के लेखक दिग्दर्शक संजीव कोलते सर जी, और हमारे साथ में जो एक अदाकार यहाँ पर जो मौजूद है जिनको सब जानते हैं, उन्होंने हमें काफी हंसाया है, वो है लिलीपुट जी। लिलीपुट जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और सीधे हम चर्चा कोई शुरुआत करते हैं। आप सभी जितने आप मेरे साथ में सब महानुभव मौजूद है, आपने सबने दूरदर्शन के साथ का एक जुड़ाव देखा है, एक अरसा देखा है। जैसे कि मैंने बात की कि एक जो बदलाव के साथ में जो नहीं बदलता वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। क्या ये बात सही है? मैं ये सवाल सीधा पूछता हूं अरुण नलावड़े सर से। अरुण जी, बहुत साल हो गए। वैसे मैं तो कमर्शियल स्टेज में नहीं गया था जी। स्कूल पास हुआ था मेरा और कॉलेज के वक्त जब मैं पहले कैमरा के सामने गया वो है दूरदर्शन। एक्चुअली जी दूरदर्शन से इतना बहुत पुराना परिचय है। कैमरा ये क्या चीज होती है ये हमने दूरदर्शन में जाकर ही देखी है। मुझे अभी तक भी याद है कि इतने सालों पहले मैंने जो काम किया था वो भी अभी तक याद है। लेकिन अभी जिस तरह का दूरदर्शन का जो हाल है वो देख के बहुत दुख होता है एक्चुअली, कि एक अच्छी एक वो बातें याद आती होगी सर कि किस तरह से वो दिन बिता करते थे, किस तरह से आप वो दूरदर्शन के साथ में काम किया करते थे। बहुत ही एक्चुअली दूरदर्शन देखने के लिए हमारे पास तब टीवी नहीं था। एक्चुअली हम दूसरों के घर में जाके देखा करते थे जी, बहुत सारे लोग एक रूम में जमा होकर वो प्रोग्राम देखते थे। छाया गीत फूल के लिए है गुलशन गुलशन, रामायण की हम अगर बात करें सीरियस, बहुत ही रामायण बनिया सीरियल मैंने बहुत कुछ देखा था। और इतनी अच्छे क्वालिटी के जो प्रोग्राम उस वक्त हमारे सामने आते थे, अब उस तरह का तो माहौल नहीं है। इसका तो इसका भी दुख है। लेकिन दूरदर्शन ने हमें दिखाया था कि स्क्रीन के ऊपर काम करना क्या है, क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ के, एक अलग लेवल का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो चाहिए, प्लेटफॉर्म की हम जहाँ अपेक्षा करते वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं दूरदर्शन ने सभी कलाकारों को उस वक्त जो है प्रदान किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अभी भी याद है सब प्रोग्राम मैंने इतनी मेरी उम्र भी नहीं थी एक्चुअली, लेकिन अभी भी याद है कि पहले काम करने का जो एक्सपीरियंस होता है। और दूरदर्शन की तरफ से हमें बुलाया गया था प्रोग्राम करने के लिए, तब बहुत खुश हुआ था मैं। कुछ अलग देखने को, कुछ अलग करने को मिलने वाला है, ये बहुत एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट अच्छी थी जी। अरुण जी, मैं अब आता हूँ प्रमोद सर के साथ में, वही सवाल और उसी का जवाब की आपसे अपेक्षा करूंगा सर, आपके नजरिए से। क्या है कि दूरदर्शन का एक अपना समय था। जैसे कि याद कीजिए, रामायण की शुरुआत हुई थी 1988 में, 88 से 89 तक रामायण चला और 89 के बाद महाभारत चला जी। दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल था जो नंबर वन चैनल था, दूसरे चैनल आए नहीं थे जी। आप देखिए 32 साल बाद फिर रमान आया और फिर सबको उसने पीछे छोड़ दिया, उसकी टीआरपी 7 की है। आप सोचिए दूरदर्शन क्या चीज होगी उस वक्त जब शुरुआत हुई। दूरदर्शन ने धीरे धीरे अपने हाथ खुद काटे हैं सर।
क्या है इनकी जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज धीरे 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 फेडेड होती गई। सबसे बड़ी चीज है कि पॉलिसीज के साथ साथ एक टीम बहुत जरूरी है। आज चैनल क्यों नंबर वन नंबर टू पे है और दूरदर्शन बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि चैनल में प्रोफेशनल जो टीम होती है, जो प्रोग्रामिंग हेड होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, जो शोज को संभालते हैं, वो दूरदर्शन में नहीं है सर। दूरदर्शन एक गवर्नमेंट बॉडी है, दूरदर्शन में आईएएस ऑफिसर है, डीजी है, वहां बहुत सारे लोग हैं, एडीजी है, पर वहां प्रोफेशनल लोग चाहिए। या यूं कहें प्रमोद सर के कलात्मकता का अभाव है कहीं ना कहीं, कलात्मक दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्या होता है कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए पूरी टीम वर्क होती है, उसके लिए प्रोग्रामिंग हेड चाहिए, उसके लिए प्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए एक्टर्स चाहिए, ये पूरी टीम बनके एक शो को बनाती है। सबसे बड़ी चीज है बजट। उस जमाने में अगर आप देखेंगे तो स्पॉन्सर शो हुआ करते थे। मैंने तो कृष्णा में काम किया है, मुझे याद है 7 सितंबर 1989 में कृष्णा की जो शुरुआत हुई थी, मुहूर्त मेरे पर हुआ था, मैंने कलयुग किया, और उसके बाद मैंने 200 एपिसोड अक्रूर जी किया है। अगर आप अभी आप कृष्णा देख रहे हैं तो मेरा ही ट्रैक चल रहा है अक्रूर जी का जी। मैंने दूरदर्शन के बहुत सारे काम किए। वो स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि तब प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, शो बनाते थे, उसमें 30 लाख 40 लाख 50 लाख खर्चा हो पर स्पॉन्सर आते थे, स्पॉन्सर मिलते थे। धीरे 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 स्पॉन्सर जब शो अच्छे नहीं होंगे तो स्पॉन्सर पीछे चले जाते हैं। क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी का कहीं ना कहीं फिर वो दिनों दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए कह रहे क्रिएटिविटी। मैं अब चलूंगा संजीव कोलते सर की तरफ। प्रमोद सर ने जो बात कही टेक्निकलिटी की या एक कलात्मकता के दृष्टिकोण के अभाव की, आपका अनुभव सर? संजीव सर नमस्कार। संजीव कोलते, मैं करीबन 86 से मैं दूरदर्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आज कई सालों से मैं दूरदर्शन के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने मराठी सीरियलें की, हिंदी सीरियलें भी की। मैंने एक लंबा दौर देखा हुआ है, मैंने ऐसा दौर देखा है कि जहाँ पर दूरदर्शन की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी, बहुत स्प्रेड था दूरदर्शन, जहाँ पर काम करना बहुत इज्जत की बात मानी जाती। मेरा ये कहने का मतलब है, ये मेरा तात्पर्य है कि दूरदर्शन मतलब गवर्नमेंट के पास आज के तारीख में भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सारी सहूलतें हैं, इतने कैमरा है, इतने स्टूडियोज है, सब कुछ है गवर्नमेंट के पास, सब कुछ है, लेकिन एक भी चीज उसमें की काम में नहीं है। इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट का जो सेक्टर होता है या जो गवर्नमेंट की यंत्रणा होती है वो चलाई नहीं जा सकती, वरना इस देश में प्राइवेट चैनल का बोलबाला होता ही नहीं था, मेरा बिल्कुल दावा है इसके साथ। क्योंकि ऐसा है कि ये दूरदर्शन की रीच आप देखिए, गांव गांव में, खेड़े खेड़े गांव में तक दूरदर्शन जाता है। ये बात महाभारत ने और रामायण ने, ये कोविड का जो टाइम है जी, उस वक्त ये चीज बिल्कुल साबित कर दिया कि प्राइवेट चैनल का इतना बोलबाला होने के बावजूद भी दूरदर्शन का टीआरपी हाईएस्ट था, दूरदर्शन का टीआरपी हमेशा हाईएस्ट रहा, लेकिन इतना वर्स्ट वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, फिर वो गवर्नमेंट किसी मतलब ये सरकार किसी भी पक्ष को, मेरे को पक्ष से कोई लेना देना नहीं, हम कलाकार है, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से इससे कोई संबंध नहीं, हमारे लिए सब एक जैसे जी। लेकिन गवर्नमेंट की जो यंत्रणा है, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपको बोलता हूँ कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम करने वाले और दूरदर्शन पे सीरियल करने वाले लोग आज भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, जिनको प्राइवेट चैनल में काम नहीं मिलता है, या कितने सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जो दूरदर्शन के भरोसे पे जिंदा है, लाखों लोग ऐसे हैं जो दूरदर्शन के भरोसे पे कहते हैं, दूरदर्शन ने कमाल के प्रोग्राम भी दिए हुए हैं, आज इनके पास स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐतिहासिक प्रोग्राम्स दिए हैं दूरदर्शन ने, शासन की उदासीनता और एक ऐसा क्षेत्र जिससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक फायदा गवर्नमेंट को होता है, बहुत बड़ा अर्थ सहाय जिसको मिलता है, ऐसी एक पूरी यंत्रणा जो है वो गवर्नमेंट ने निगलेक्ट करने के कारण आज ऑलमोस्ट डाइंग सिचुएशन पर है, दूरदर्शन मर रहा है। मुंबई में आप जाके देखो, मुंबई के स्टूडियो में जाके देखो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े स्टूडियोज है वहां पर, इतने कैमरेज पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं है अलर्टनेस। या फिर वही हम फिर से बात करेंगे कि जहां पर जो इच्छा शक्ति है कि कुछ इन सब चीजों का सही उपयोग हो और कुछ प्रेजेंटेशन हो। ठीक है संजीव जी, संजीव जी मैं जी जी संजीव जी मैं अब रजनी जी का भी अनुभव मैं समझना चाहूंगा, दर्शक भी हमारे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो रजनी जी आपका स्वागत है, और हमारे दर्शक आपकी जो यात्रा है अब तक की उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, और फिर विषय पर आपकी टिप्पणी। रजनी जी नमस्कार।
सर मैंने दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया है। एक्चुअली मेरी शुरुआत ही शायद दूरदर्शन से हुई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है, लेकिन आज आज क्या हो गया कि दूरदर्शन का कुछ पता ही नहीं है, वो पीछे चला गया है। प्राइवेट चैनल इतने आगे आ गए हैं और उसका रीजन है दूरदर्शन के पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने उनके इन हाउस प्रोडक्शन में काम किया है सर, उनके स्टूडियो देख के मतलब मुझे, मैं भी बोलती थी कि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। लाइटें क्या, बड़े सेट्स क्या, आप जितना मर्जी सेट लगा लो, ये प्राइवेट चैनल के पास इतने बड़े सेट भी नहीं होंगे जितना इनका इन हाउस में है सामान जी। लेकिन इंसानों की कमी है सर, वो सरकारी लोग है ना सरकारी काम हो गया, एक बज गया, ये बोलो कि सर ये इतना सा शॉट बाकी है, कभी प्राइवेट चैनल में ये नहीं होगा, एक शॉट है देखे ही जाएंगे, आप सब लोग जानते हैं, नहीं सर ले लो, एक हो गया रखा ना, बोला किसी ने कुछ के भाई एक बज गया, लंच हो गया जी, सब अपना उठाया बैग और चल दिए। मैं कहा ये क्या हुआ, कितनी लंच हो गए ना आप तो मतलब वो घड़ी देखकर काम होता है, यानी ऑफिस की जैसे काम करते हैं 9 to 6 जी, मतलब किसी को पड़ी नहीं है क्योंकि वो वैल्यू नहीं है सरकार ने, डेडिकेशन का पूरी तरह से अभाव है, बिल्कुल नहीं, बस इसी वजह से मुझे उनकी तनख्वाह मिलती है ना, तनख्वाह मिलती है तो फिर काम करने की जरूरत होता है। ठीक है ठीक है, मैं लिलीपुट जी मंदा मंदा मुस्कुरा रहे हैं, एक बहुत ही हसीन अदा उनकी जो यहाँ पे हमारे, और जो इनकी मुस्कान से हंसी आ जाती है जी। लिलीपुट जी आपका भी अनुभव हम जानना चाहेंगे। देखिए पहले तो मैं सबसे माफी मांग लेता हूँ कि मैं कुछ बोलूंगा उसका बुरा ना मानना भाई मैंने कभी दूरदर्शन के लिए काम नहीं किया जी। एक एक्टर जो है वो सिर्फ एक सीरियल में काम करता है, एक फिल्म में काम करता है, और वो काम जो है वो पैसे के लिए करता है। हम हमेशा अभिनेता रहे, तो हम लोग जनता रहे, जनता को र्यूमर से मतलब होता है, और र्यूमर ही हम लोग सुनते हैं कि दूरदर्शन में ये धांधली होती है, वो धांधली होती है, प्रोड्यूसर से इतना परसेंटेज मांगा जाता है और ऐसे पास होता है और वैसे पास होता है, ये सब सिर्फ मेरा सुना हुआ है प्रोड्यूसर्स के थ्रू और लोगों के थ्रू। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो हिंदी थिएटर और सिनेमा के बीच का जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम मुझे दूरदर्शन और प्राइवेट चैनल का दिखता है। हिंदी थिएटर जैसे लोग जो हैं अपना पैसा खर्चा करके शौक से शौक में करते हैं, दूरदर्शन में पहले जो प्रोग्राम हुआ करता था वो इंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था, जनता को हिंदुस्तान के लिए सोचते थे लोग, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, या दूरदर्शन के वर्कर्स हो, एम्प्लॉय हो, वो सारे हिंदुस्तान के लिए सोचा करते थे। अभी जो है वो सिर्फ पैसे के लिए सोचा जाता है कि पैसा कैसे बने, तो हम लोग शिफ्ट हो गए कला से पैसे की तरफ ज्यादा। तो ये सारा जो सारी जो समस्या है वो पैसे की समस्या पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। आज जितना लोग पैसा 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 कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट चैनल में देखिए आप, इतनी उथल फुथल मची हुई है, इतने प्रोड्यूसर्स हैं जो पैसा नहीं देना चाहते हैं आर्टिस्टों को, जो कम पैसा ले उससे काम कराते हैं। दूरदर्शन के टाइम में ऐसा नहीं था, दूरदर्शन के टाइम में ऐसा होता था कि भाई काम किया दिन भर, शाम को पेमेंट हो जाती थी, तो इसमें दूरदर्शन का क्रेडिट था या प्रोड्यूसर का क्रेडिट था। हमें तो पूरे सिस्टम से शिकायत हो गई है कि दूर, जब हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं था, जब हिंदुस्तान गरीब देश था, तब वर्कर को दिन भर काम करता था, शाम को उसकी पेमेंट मिल जाती थी। आज चैनल्स में 90-90 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं मिलती है, तो हम उस दिन को अच्छा कहें कि आज के दिन को अच्छा कहें जहां काम के लिए बहुत से स्कोप हैं। उस वक्त सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था, उसमें ये तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करेगी कि चैनल पैसा दे रहा है कि प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है। लिलीपुट जी आपके पास में आते हैं, संजीव जी आपकी बात का कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। संजीव सर लिली जी ने कहा उस बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि गौर मतलब अब आप ये किसी भी एक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट एक्टिंग में होता है, ये बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी डायरेक्टर का अपने प्रोजेक्ट से लगा होता है, हम लोगों ने करीबन
38 साल 34 साल मतलब प्रमोद जी तो मेरे हम और प्रमोद जी ने दूरदर्शन की सीरियल साथ में की है, बहुत सारी सीरियल। प्रमोद जी बहुत वेटरन प्रोड्यूसर है, एक्टर तो है ही है लेकिन बहुत वेटरन प्रोड्यूसर है। ऐसा प्रोड्यूसर है कि जो किसी भी कीमत पे कहीं से भी पैसा मैनेज किए वो करके दूरदर्शन के लिए बेहतरीन सीरियल बनाते हैं, बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें रजनी भी हमारे साथ एक्टिंग करती है। अरुण के साथ भी मैंने काफी मराठी सीरियलें की है। मेरा सर कहने का मतलब एकदम अलग है, सर मैं अलग कहना चाहता हूँ। प्रमोद सर और अरुण सर जरा गौर करिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, शिवसेना, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। सर मेरी बात समझिए, मेरे को ये कहना है कि शासन का, गवर्नमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, फॉर एग्जांपल आप समझिए, रेलवे के ट्रैक बिछे हुए है पूरे हिंदुस्तान में बिछे, आप ट्रेन ही नहीं चलाओगे तो फायदा कहाँ से होगा। सही बात है, आपके पास भारत पेट्रोलियम है, आपके पास इंडियन ऑयल है, आपके पास रेलवे है, आपके पास हमका है, धमका है। उसी तरह से दूरदर्शन ये एक आपके पास काम धेनु है जो दूध देती है, जिसका पैसा आपको मिलता है, ये गवर्नमेंट की प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है, ये मेरा दावा है। प्रमोद जी मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये दूरदर्शन एकदम सही है, प्रॉफिट मेकिंग दावा था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने 1987 से लेकर के 2003 तक 4 तक के बहुत पैसा कमाया, बहुत नामचीन सीरियल थी, बेहतरीन काम हुआ। उसके बाद प्राइवेट चैनल आ गया। अरे प्राइवेट चैनल कहाँ से आती है मेरे को बताइए? प्राइवेट चैनल का रेंज और दूरदर्शन का रेंज, इसमें जमीन आसमान का फर्क आज भी है। आज भी अगर गवर्नमेंट ठान ले ना कि सर हम करेक्ट सीरियल बनाएंगे, हम गवर्नमेंट भी क्रिएटिव बिठा सकती है, प्रॉपर चाबुक देकर के लोग बिठा सकती है, प्रॉपर काम करो, अच्छा प्रोजेक्ट करो, गवर्नमेंट भी कर सकती है। सवाल यह है कि न गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है और न गवर्नमेंट के किसी मंत्री को इंटरेस्ट है। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि हमारी कौम के कुछ लोग वहां पे मंत्री बने हुए बैठे हुए, बहुत लोग हैं। शमारा आदमी जी है, जया बहादुरी जैसी है, मिसेस खेर वहां पर बैठे है। अभी महाराष्ट्र का एक बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट, जबरदस्त अमोल कोल्हे, डॉक्टर अमोल कोल्हे जिसका नाम है, वो अभी सांसद बनकर गया हुआ है। अगर ये लोग नहीं चिल्लाएंगे, दूरदर्शन को रिवाइज नहीं करेंगे, तो सर प्राइवेट चैनल की औकात नहीं है खड़े रहने की। कम से कम टक्कर तो दे सकते हो, टक्कर देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। और गवर्नमेंट तभी करेगी जब ये जो राज्य करते लोग है, जो शासन वाले लोग है, ये थोड़ा उसके तरफ ध्यान देंगे। कोई ध्यान नहीं देता, फिल्म डिविजन खाली पड़ा हुआ है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खाली पड़ा हुआ है, दूरदर्शन के स्टूडियोज में और दूरदर्शन में जहाँ पर चूहे और दिमक लगी हुई है, ये इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको होता है क्योंकि ये देश हमारा है, ये पैसा हमारा है, हमारा। और कहीं ना कहीं कलाकार होने के नाते आपको लगता है कि इस माध्यम से हमारी कला भी है जो लोगों तक पहुंच सकती है। प्रमोद जी के पास में आता हूं, रजनी जी आपके पास में भी आना है। संजय जी आपकी, सर मेरा एक ही मुद्दा मैं कहना चाहता हूं, इस बात से लिली भाई जी, अरुण जी भी और रजनी जी भी इत्तफाक रखेंगे। लिलीपुट जी के एक जो उन्होंने जवाब दिया उसके ऊपर से मुझे अरुण सर को भी एक सवाल पूछना है, लेकिन आप आपकी बात पूरी कीजिए संजीव सर। एक मिनट बात पूरी करता हूं। ये बात को सब मेरे जितने चार दोस्त यहाँ पे बैठे वो सब मानते होंगे कि आज के मतलब पिछले प्रमोद जी के साथ मैंने जो लास्ट सीरियल दूरदर्शन पे किया था, गांव की बेटी गौरी किया था, किसान चैनल हमने किसान दर्द का रिश्ता किया था, जो हिट सीरियल थी, विक्रम गोखले वगैरह सर थे उसमें। कहना है कि दूरदर्शन के ऊपर आज करीबन इंडस्ट्री के कम 10-12 लाख लोग अपना पेट पाल रहे हैं, जो ये 4-5 साल से 6 साल से इन लोगों ने बंद किया। क्यों बंद किया भाई, सरकार ने क्यों बंद किया? मैं पूछता हूँ लोगों को, मेरा अधिकार है क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ। तुमने गवर्नमेंट का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉफिट मेकिंग है वो बंद क्यों किया? प्लीज हमको कारण दो इसका। सर हमने चलिए संजीव सर आपके, प्रमोद जी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद आपका कथन होने के बाद में आपको मेरा एक जवाब आपको भी देना है कि क्या हमने भी अपने तरफ से दूरदर्शन के अधिकारियों को या उस प्रशासन को हमने अपने तरफ से कुछ अप्रोच किया? प्रमोद सर नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने लेटर भी लिखा अभी कोविड में, लेटर भी लिखा क्योंकि 2016 से 4 साल दूरदर्शन ने कुछ नहीं किया इस महामारी के, इसमें तो हेल्प करना चाहिए। अब देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे इन्होंने कहा 86 से दूरदर्शन चल रहा था 2002 तक, यानी कि 14 साल की जर्नी थी जो स्पॉन्सर प्रोग्राम था। स्पॉन्सर में क्या होता है कि आप जितना दूध डालेंगे वो चीज उतनी पक्के आएगी। तब दूरदर्शन को 2004 के बाद ऐसा लगा कि भैया प्रोड्यूसर ही पैसा कमा रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर सिर्फ एक स्लॉटिंग का पैसा देता था जो उनकी स्प्लॉटिंग का होता था, बाकी प्रोड्यूसर रखता था। इनको पॉलिसी में ये करना चाहिए था कि शेयरिंग बेसिस में आ जाए,
क्योंकि जो भी एड्स आती है 150 सेकंड होती है कि 23 मिनट में और एक घंटे में 720 सेकंड होते हैं, तो ऐसे कुछ शेयरिंग बेसिस होता। अचानक उन्होंने SFC खोल दिया, सेल्फ फाइनेंस स्कीम, यानी आफ्टरनून के स्लॉट में वो 1.25 लाख से 1.5 लाख देंगे और प्राइम टाइम में 3 लाख रुपए देंगे। अब ये बताइए 1.25 लाख में एक प्रोड्यूसर कैसे शो बनाएगा, जो मैंने बनाया है क्षमा, जिसका 380 एपिसोड चला, संजीव ने डायरेक्ट किया है। मैं उस वक्त प्रॉफिट की नहीं देखता, उसमें टॉम ऑल्टर, बेंजामिन गिलानी सब बड़े बड़े लोग थे, जितने बड़े एक्टर थे मैंने लिया, क्योंकि मैंने सागर्स में 15 साल सीखा है हाउ टू मेक अ शो। अब आप 1.25 लाख देंगे तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि बनाएगा 60 से 70 हजार में। आप 60-70-80 हजार में क्या क्वालिटी देंगे? क्वालिटी गिरेगी, ऑडियंस की व्यूशिप नहीं रहेगी और वो खत्म हो जाएगा। प्राइम टाइम भी आप 3 लाख देते हैं, चैनल देता है 12 लाख रुपए। तो फर्क इतना ही है कि आप प्रोड्यूसर को पैसा मिलेगा तो खर्चा करेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर अपना मार्जिन 10-15% रखता है। जब नहीं मिलेगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि 88 के बाद क्या हुआ, स्पॉन्सर के टाइम पे तो पैसे आते थे, प्रोड्यूसर खर्चा करता था। स्पॉन्सर कैटेगरी जैसे ही गई, कॉम्पिटिशन में खड़ा नहीं हुआ और चैनल खड़े हो गए। चैनल जैसे ही खड़ा हुआ तो दूरदर्शन को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए थी, चैनल के साथ खड़े रहने के लिए उनको चैनल करना चाहिए। यही बात मैंने शुरुआत में कही थी कि बदलाव के साथ में अगर आप नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पिछड़ना है। मैं एक चीज और कहूंगा, लास्ट लाइन ये कहूंगा कि दूरदर्शन में पायलट अप्रूव होता है। मैंने आज 10 लाख रुपए लगा के एक पायलट बना दिया, अप्रूव हो गया और आप पैसा क्या दे रहे हैं मुझे? 1.5 लाख रुपए। मैं 8.5 लाख रुपए कैसे निकालूंगा पर एपिसोड में? तो फिर मैं एपिसोड बनाऊंगा 1 लाख रुपए में। अब 1 लाख रुपए में क्वालिटी कैसे आएगी, उसमें मेरा प्रॉफिट भी है। तो होता यह है कि पायलट के बेसिस पर प्रूफ नहीं करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए कि प्रोडक्शन हाउस क्या है, उसने क्या शोज बनाए हैं, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा है, आपकी टीम चाहिए, क्रिएटिव टीम चाहिए, क्रिएटिव टीम होनी चाहिए, प्रोडक्शन टीम दूरदर्शन की, एडमिनिस्ट्रेशन जो हर एपिसोड को फॉलो करे। आपने स्क्रिप्ट दे दी 104 एपिसोड की, उसके बाद आपका कोई फॉलोअप नहीं है, जो आया आपने टेलीकास्ट कर दिया आपके गाइडलाइंस को देख के। ठीक है, मैं अरुण सर को एक सवाल पूछना, रजनी जी आपको कुछ बोलना है, लेकिन पहले अरुण सर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि लिलीपुट सर ने कहा कि एक कलाकार किसी दूरदर्शन के लिए काम नहीं करता या किसी इसके लिए, वो कला के लिए या एक अमाउंट के लिए जो है प्रोफेशनलिज्म के लिए काम करता है। सर आपका भी इतना अनुभव रहा है, क्या आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अरुण सर इस चीज से, या आपका कुछ व्यू अलग है इससे? कलाकार क्या दृष्टिकोण से कला को अपने कला के में जान डालता है? नहीं नहीं, कलाकार हमेशा कभी भी उसको सेटिस्फेक्शन तो कोई भी चीज का तो चाहिए ही। हम जहां भी काम करते हैं तो हमें पैसों के साथ सेटिस्फेक्शन, उस कैरेक्टर का, उस वातावरण का, तो वो तो बहुत जरूरी होता है। तो हम तो अभी मायना रखते ही है कि अभी मुझे यहाँ 10 रुपए मिल रहे हैं और वहाँ 15 रुपए मिल रहे हैं, और मैंने अपनी जो उम्मीद है वो बढ़ा ली है, मेरे लाइफस्टाइल बढ़ाई है, तो मैं 15 रुपए वाले के पास ही जाऊँगा। अभी 10 रुपए में एक तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा है और पैसा भी सही नहीं मिल रहा है, तो ये तो फर्क होगा ही अभी। लेकिन कभी भी हमें दूरदर्शन मुझे अच्छा लगता है कि दूरदर्शन, यानी हम लोग जब ऐसे कहते हैं कि दूरदर्शन में एक पवित्र है, हेल्दीनेस है, वो जो वातावरण है तो वो अभी भी अच्छा है। वहां सभी लोग बुरे नहीं है, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन कैसा है, एक मशीन होता है, मशीन को बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं, स्क्रूज होते हैं, तो उसके 4-5 स्क्रू ढीले हो गए तो वो अभी कौन टाइट करेगा, क्योंकि करने की इच्छा शक्ति नहीं है। एक डिसीजन लेने के लिए एक चीज वहां दिल्ली तक जाती है, वहां 10 आदमी बैठे हैं, वहां से डिसीजन होकर ये लोग के पास आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं डिसीजन फंस जाते हैं। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम्स है उसमें, क्योंकि मैं अभी भी 5-6 महीने काम करने के लिए गया था दूरदर्शन पे, इंटरव्यू जी आते हैं, पूछा मैंने उनको, पूछा कि भाई इस तरह से करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं ना इसको परमिशन नहीं है ना, ये जो हमने परंपरा जो रखी है ये झापड़ पहले निकाल देनी चाहिए ये लोग ने, और बाहर क्या चल रहा है वो आग खोल के इन्होंने देखना बहुत जरूरी, और वो कर सकते हैं, वैसे आराम से कर सकते हैं। रजनी जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोगों की चर्चा चल रही है दूरदर्शन की, बात करें थोड़ा सा कंपैरिजन हम बाकी चैनल से भी कर रहे हैं, तो जो भी आप सीरियल में काम करती हैं या जब भी आपको कोई ऑफर आता है तो आपका ये सवाल रहता है कि ये कौन से चैनल पे जाने वाला है? हाँ रहता है। क्यों?
वो बजट पे डिपेंड करता है। नहीं, वो बजट की बात अलग हो गई। मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या विजन करके हम किसी भी प्रोजेक्ट को जब एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्टेंस के पीछे चैनल कौन सा है ये पूछने के पीछे क्या भूमिका रहती है। सर फर्क तो आपके सामने हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूरदर्शन बहुत पीछे चला गया है। बात बजट की नहीं है सर और व्यूअरशिप की भी नहीं। दूरदर्शन को आज की डेट में भी बहुत लोग देखते हैं लेकिन धीरे 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 व्यूअरशिप सब कम हो रही है बिकॉज प्राइवेट चैनल का ग्लैमर और दूरदर्शन का ग्लैमर फर्क आ जाता है बहुत ज्यादा। मतलब अभी दूरदर्शन में ग्लैमरसनेस नहीं रही। हाँ, नहीं, मतलब नहीं रही, बहुत कम हो गई है। मतलब जी जी डल हो गया बहुत। अब वो ऐसा नहीं है दूरदर्शन के पास फैसिलिटीज नहीं है सर, सब कुछ है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। लेकिन नहीं कर रहे बस। अब वही सरकारी वाली बात क्या है कि अगर आप चैनल में नजर आएंगे जो दिखता है वो बिकता है। आज आप चैनल में नजर आएंगे तो 10 लोग आपको कास्ट करेंगे। दूरदर्शन में नजर आएंगे तो दूरदर्शन की आज रीच नहीं है। किसी जमाने में 67% रीच थी, आज रीच ही नहीं है। 2-3% रीच है। तो उसके बावजूद भी प्रमोद जी आज दूरदर्शन पर ही दिखाया जाने वाला रामायण को फिर से अच्छी टीआरपी मिली ना। मिली क्योंकि लॉकडाउन था और वो क्या हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है इसीलिए। आज मैं सिर्फ माफी चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आज मौका है पॉलिसी लाने का, नए शोज लाने का, क्योंकि आज आपकी टीआरपी है। आप अच्छे बेटर शोज लाइए, देखिए दूरदर्शन फिर खड़ा हो जाए। अपने डिस्कशन का दूसरा अपने डिस्कशन का जो दूसरा पड़ाव है वो उस पर हमें इस पर ही बात करनी है कि अब तक जो था या अब तक जो है, अब अगर हमको दूरदर्शन को एक न्यू संजीवनी देनी है तो वो क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, इस पर भी हमें बात करनी। लेकिन लिलीपुट जी की कुछ बात है वो हम सुनना चाहेंगे। लिलीपुट जी देखिए, प्रमोद जैसा प्रोड्यूसर आज जैसे प्रमोद ने काम किया है, अपना सब कुछ लगा करके वो किया है और उसको वो बदला नहीं मिला, रिटर्न नहीं मिला। दूरदर्शन की अच्छाई का, दूरदर्शन की पॉलिसीज का नाजायज फायदा प्रोड्यूसर्स ने भी बहुत उठाया था। करेक्ट, क्या बात, बहुत अच्छा बोला। और उन लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से दूरदर्शन की सोच बदली और दूरदर्शन ने ये देखा कि ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आज ब्लैक लिस्टेड हैं दूरदर्शन में। प्रमोद जैसे आदमी को काम मिलना चाहिए लेकिन उसको काम नहीं मिलेगा। काम किसको मिलेगा? जो 5 रुपए के एक्टर को 1.5 रुपए में काम, 1.5 रुपए में उससे काम करवाएगा उसको काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खाता है। अब हमारे देश में सबसे बड़ी बीमारी जो हमारी है वो यही है कि हम जो है अपने ईमान पे ही नहीं टिकते हैं। कोई भी सरकारी दफ्तर में इतना हम राष्ट्रभक्त बोलते हैं, कोई भी ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के कहे कि वो राष्ट्रभक्त है? जहां आपको कुर्सी मिलती है आप लोगों को लूटना और परेशाना तड़पाना और बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अहम मुद्दे में आपने सर लिलीपुट सर आपने छेड़ा और इसका और यहाँ मैं वही संजीव सर और प्रमोद सर इस पर बेहतर टिप्पणी कर पाएंगे कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। नहीं नहीं करेक्ट है। क्या क्या था कि जैसे प्रमोद जी ने बोला कि लीली जी बोल रहे थे कि कुछ कुछ ऐसे दिग्गज प्रोड्यूसर है जिनके नाम लेंगे तो हिल जाएंगे आदमी, उन लोगों ने गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए डुबो दिए जिसके कारण गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सील ही कर दिया कि चलो हम नई सीरियल बताएंगे। जिसके कारण प्रमोद जैसे और हमारे जैसे कई लोगों का नुकसान हो गया और लाखों लोग इसमें बर्बाद हो गए। एक प्रोडक्शन के पीछे सर कई कलाकार जुड़े होते हैं, कई टेक्नीशियन जुड़े होते हैं, तो वो सारे 20 लोगों का घर चलता है सर, 40 लोग का यूनिट होता है हमारे इसमें, उसके फैमिली को और 4 गुना कर दीजिए, 120 लोगों का घर चलता है सर। करेक्ट, वो सबसे बड़ी चीज है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैंने 1,115 एपिसोड्स बनाए दूरदर्शन के 2007 से चिमनी पाखरे से लेके 2016 तक 9 से 10 साल में मैंने इतने शोज बनाए क्योंकि मेरी टीआरपी हमेशा नंबर वन रही है जी। सबसे बड़ा शो था क्षमा, 381 एपिसोड। उसके बाद संजीव ने डायरेक्ट किया दर्द का रिश्ता। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुषमा सेठ जी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जो ऋषि कपूर की मदर का रोल और करती है सर, वो दिल्ली में रहती है, हम लोग में थी, उन्होंने फिल्में की, टेलीविजन नहीं किया। मेरे में थोड़ा सा गट्स था, मैंने 40 साल बाद उन्हें दर्द के रिश्ते में वापस लाया।
एक देखिए, क्योंकि मैंने अगर शो बनाया दर्द का रिश्ता और माँ के ऊपर, तो मैंने सोचा सुषमा जी ही करेगी, अगर नहीं करेगी तो मैं शो नहीं बनाऊंगा। और सुषमा जी को ये बात अच्छी लगी और मैंने उनके लिए हरिद्वार में शूट किया पायलट। तो इससे क्या होता है, आप में एक जज्बा, एक जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, एक विजन आ जाता है और आप कुछ सोच के वो पूरा प्रोजेक्ट आगे ले जाते हैं। और आप विक्रम गोखले जी को ले आइए, दूरदर्शन के बजट में नहीं आएगा। मैंने विक्रम गोखले जी के साथ, संजीव ने डायरेक्ट किया है, विक्रम गोखले जी के साथ मैंने गांव की बेटी बनाया। बड़े बड़े एक्टर्स लिए मैंने, गुलबानो में पहली बार मैंने निर्मल पांडे जो फिल्मों में विलन करते हैं उनको लेके आया गुलबानो में। पहली बार आप दूरदर्शन में इसमें SFC में सेल्फ फाइनेंस स्कीम में आपका 3 लाख का बजट होता है, 4 लाख का कोई हिस्टोरिकल नहीं बना सकता। और मैंने बनाया सबसे बड़े लड़ैया आला उदल। आप हिस्टोरिकल का बजट देख लीजिए, पर एपिसोड का बजट होता है 8 से 10 लाख रुपए। अगर आप पायलट शूट करें, मैंने 26 लाख का पायलट शूट किया सर, मैंने शोज बनाए। वो क्या होता है, आप पे जज्बा होना चाहिए बनाने के लिए, मेरा हर एपिसोड वैसा होना चाहिए। मेहनत की कुछ नहीं है, मतलब अभी दूरदर्शन का ये हालत हो गया है कि जमींदार की पुरानी हवेली है, तो बहुत बड़ी लेकिन सब दरारें पड़ गई। तो चलिए अब हम दूसरे पड़ाव की ओर पढ़ते हैं और मैं संजीव सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि जमींदार की पुरानी हवेली और इसमें जो है दरारें पड़ गई, तो इन दरारें को कैसे सींचे, इस बिल्डिंग को, इन खंडरों को फिर से क्या कैसे हम एक राजमहल में परावर्तित करें? सर मैं आपको बहुत 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 आसान सा एग्जाम्पल बताता हूँ जी। अगर मेरे पास दादर जैसे एरिया में एक पुरानी दुकान है 2000 स्क्वायर फीट में जी, अब वो मेरे बाप दादाओं की जो गिर गई है, ढह गई है, तो भाई मैं मेरे जैसा बेवकूफ मैं ही रहूंगा अगर मैं उसको तोड़ के रिनोवेट करके फिर बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा, फिर बिल्डिंग चलेगी। दूरदर्शन को ये है और वहां पर बैठे हुए लोगों को और हमारे सरकार को, माए बाप सरकार, थोड़े आंखें खोलिए और कलाकारों की तरफ देखिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लाखों करोड़ रुपए बांट दिए लेकिन कलाकारों को, फिल्म वालों को एक लाख करोड़ भी नहीं दिए, उनको दो पैसा, उनके भी लो। आज पता है आपको सबसे बड़ी दुख की बात यह है, प्रमोद जी, लीली जी, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन आज हमारे पास अपना खुद का हॉस्पिटल भी नहीं है। हम भीख मांगते घूमते जबकि हमारे पास फिल्म सिटी में इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, कोई भी चाहे तो गवर्नमेंट वहां पर फिल्म वालों के लिए हॉस्पिटल खड़ा कर सकती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री इतनी गई गुजरी है कि हमारी तरफ शासन ने ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोदी साहब मतलब बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, स्मृति ईरानी वहां पर है, बड़े बड़े हमारे के लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, किशन वो क्या नाम वो भी है वहां पर, कोल्ले साहब भी है, कोल्ले साहब है, बड़े बड़े लोग वहां पर है। तो इन्होंने आंखें खोलो, एक कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, एक कोई मस्त लॉबी बनाओ और दूरदर्शन को खड़ा करो। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यार, इतने स्टूडियो है, इतने कैमरे है और इतने आर्टिस्ट है। पता है आप इसके कारण क्या हुआ है, पता है, रजनी जो बोल रहे थे ना और लीली जी जो बोल रहे थे, वो बात का मैं आपको खंडन करके बताता हूँ। अब आपने पूछा कि भाई किसी भी एक्टर को पूछा जाए कि भाई तुम दूरदर्शन में काम करेगा कि प्राइवेट चैनल में, वो डेफिनेटली प्राइवेट चैनल में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहां पर एक क्लास हो गया है, उनका एक ब्रांड हो गया, हम प्राइवेट चैनल में काम करते हैं, ये दूरदर्शन के आर्टिस्ट है, ये ब्रांड वाले आर्टिस्ट है, ऐसा हो गया है क्योंकि वो चैनल देखते हैं, वहां पे पैसा ज्यादा देता है। दूरदर्शन के प्रोड्यूसर को चैनल वाले एंटरटेन नहीं करते और उनका ये नहीं हो रहा है, जबकि दूरदर्शन मदर है, दूरदर्शन के ये सब बच्चे जो आज चढ़ के बैठे हुए, जिस दिन ये मदर ने, माँ ने, दूरदर्शन ने ठान लिया कि भैया मैं तो अपने आप को खड़ा करूंगी, सर किसी चैनल की औकात नहीं पड़े, इतना सुंदर हो सकता है, सरकार थोड़ी आंखें खोले, हम गरीब कलाकारों की तरफ देखें, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रमोद जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर आज लाइन खड़े जो शिद्दत से, ईमानदारी से वो बनाना चाहते, पुरानी बातें छोड़ दो, बंद कर दो, अभी जो बड़े बड़े तो दूरदर्शन को बनाए, बहुत अच्छा बन सकता है दूरदर्शन का, इनके पास मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी नहीं है सर, पूरी तरह से जो है जमीन से लेके तो वहाँ जड़ से लेके तो पूरी ऊपर तक के जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में सिस्टम को बदलना होगा। प्रोफेशनलिज्म लेके आओ ना वहाँ पे, ये करो, इतने अच्छे स्पॉन्सर मिल सकते हैं दूरदर्शन को। मेरे को बताइए, प्राइवेट चैनल का रीच इतना छोटा है, उनको मिलते हैं तो दूरदर्शन को क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पुअर है, उसके लिए सिर्फ राज्य करता जो है, शासन करते जो है, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बहुत उपजाऊ जमीन है सर, जो बंजर पड़ी हुई है दूरदर्शन की, इसको
प्लीज इसको फिर से जोतना पड़ेगा, इसमें फिर से हल चलाने पड़ेंगे और उसमें फिर से जो है फसल उगानी पड़ेगी। चलिए संजीव जी, प्रमोद जी, आपको मैं जो बोलने का मौका दूंगा, सबसे आखिरी में आपको कंक्लूजन आपको करना है। इसके पहले मैं अरुण सर से भी पूछना चाहूंगा उनकी जो टिप्पणी है चलते चलते, कि अरुण सर, क्योंकि हमारे पास में समय की भी एक सीमा होती है, अरुण सर आपने कहा कि आज भी दूरदर्शन आपका पहला प्यार है, दूरदर्शन में आपकी पवित्रता जो है ऐसी महसूस होती है, इस पवित्रता को आने वाले समय में भी कई ऐसे कलाकारों की एक लाइन है सर, वो भी चाहते हैं कि दूरदर्शन का जो है मंच उनके लिए खुला हो, उनको भी फिर से कुछ अवसर मिले, आप सर कैसे कहेंगे, क्योंकि दूरदर्शन को फिर से एक नवीन न्यू संजीवनी मिले, इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे या क्या है आपके मन में? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अच्छी इमारत जब बननी है तो अच्छे कारीगर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि इन लोगों की कमी है वहाँ, तो अभी अभी जो बात हुई उससे यही तो पता चलता है कि अच्छे लोगों को लाओ, अच्छे समझने वालों को लाओ, अच्छा परफॉर्मेंस करने वालों को वहाँ लाओ, अच्छे लिखने वालों को लाओ। अभी क्या है, मेरा ये सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है और वो काम मुझे करना पड़ रहा है, तो मैं क्या डिसीजन लूंगा, मैं उसके बारे में क्या आइडियाज बनाऊंगा, कुछ नहीं बना सकते। तो उन्हें 9 to 5 में जो सुझता है वही वो करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इस समय के बाहर जाकर इनको काम करना पड़ेगा। करेक्ट, 10:30 बजे 11 बजे काम शुरू होता है और 12:30 बजे लंच ब्रेक होता है, वहाँ अच्छा काम नहीं होगा, और 5 बजे सीधा बैग उठा के चल पड़ना है, वहाँ अच्छा काम नहीं होगा। यहाँ डिवोशन चाहिए, हर डिवोशन चाहिए, एक जुनून चाहिए, जुनून लगता है, जुनून बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यहाँ मेरा प्रोग्राम अच्छा ही होना चाहिए, चैनल से अच्छा होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मन में आएगा तो ही अच्छा कुछ हो सकता है, ऐसे लगता है मुझे। और मुझे, हम अभी यहाँ सब बातें करें, सब लोग की इच्छा वही है कि दूरदर्शन ऊपर आना चाहिए, बस यही एक कारण है सर कि दूरदर्शन के ऊपर में जो हम सबका जो प्यार है उसको ही कहीं ना कहीं ऊपर लाने के लिए हम ये जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये इस माध्यम से भी हम चाहेंगे कि सरकार के पास में भी ये बातें जाए और कुछ ना कुछ तो हमारे जो सपनों को एक चालना मिले। जी रजनी जी, आपकी टिप्पणी भी हम चाहेंगे। सर दूरदर्शन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, अच्छी मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है जी सर, यूं उठ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बस करे तो हो जाए, फिर आर्टिस्ट ये नहीं बोलेगा कि हमें प्राइवेट चैनल में करना है या दूरदर्शन में करना है, फिर बोलेगा मजा आ रहा है अभी फिर से एक बार मजा आ रहा है यार दूरदर्शन के में काम करने के लिए, वो दिन जरूर आने चाहिए। बिल्कुल सर, तैयार है, सब तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग मतलब ये समझे कि हम बस दरवाजे पर दस्तक लिए खड़े हैं, बस वो दरवाजा फिर से एक बार रिनोवेट हो जाए, उसको वो इमारत को फिर से रंग रोशन हो, उनको ना धक्का मारने की जरूरत है, मारेंगे बिल्कुल बिल्कुल धक्का मारने की कोशिश करेंगे, मार के ना कि चलो जी लिलीपुट जी के पास में मैं आना चाहूंगा सर, चलते चलते आपकी जो बातें हैं हमारे दर्शक भी सुनना चाहे, क्या कहेंगे सर दूरदर्शन को पुनर्जीवित करने के लिए? दूरदर्शन को वापस खड़ा करने के लिए हम जैसे लोग, संजीव जैसे लोग, प्रमोद जैसे लोग चाहिए जी, जो काम में बिलीव करते हैं, अरुण जैसे लोग चाहिए जिनको काम का शौक है, जो सोसाइटी की सेवा अपने काम से करना चाहते हैं, जिनको शौक है, वैसे लोग वहां होने चाहिए जी। सरकारी नौकरी की मानसिकता वाले लोगों की जरूरत वहां नहीं है, नहीं है, सरकारी मानसिकता के लोग कभी ये काम कर ही नहीं सकते हैं जो संजीव करना चाहते हैं या प्रमोद करना चाहते हैं या अरुण करना चाहते हैं, तो वहां भी जरूरत है इन्हीं जैसे लोगों की, तभी दूरदर्शन जो है वो फिर से वापस आ सकता है। अदरवाइज आप सरकारी नौकरी कीजिए, सुबह को आइए 9 बजे और 12 बजे आप लंच ब्रेक कर लीजिए और शाम को बैग लीजिए और घर चले जाइए, इससे कला का कोई संबंध नहीं जी। चलिए मैं चलते चलते जो प्रमोद सर के पास में आना चाहूंगा, प्रमोद जी आपकी बात और फिर हम कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे। रत्नाकर जी, 100 बात की एक बात है, देखिए दूरदर्शन ने टेलीविजन को खड़ा किया, रामायण महाभारत देख भाई देख लिली ने काम किया है, रजनी एक सीरियल आती थी, नॉट रजनी चंद्रा, रजनी सीरियल, इतनी सारी सीरियल आती थी, प्रिया तेंदुलकर, ये जो जिंदगी जो बॉम्बे में शूट होती थी शफी लेट श्री शफी नामदार जी के साथ जी, बहुत मजा आता था सर, बहुत मजा आता था, आज भी वो सीरियल बिल्कुल दिमाग में है।
हम लोग कथा सागर, इतनी सारी सीरियलें हैं जिन्होंने दूरदर्शन को खड़ा किया है। आज दूरदर्शन उसी मुकाम पे खड़ा है अच्छी टीआरपी के साथ। सिर्फ मेरा कहने का यही मकसद है कि अच्छा शो तभी मिलेगा जब आप उसमें क्रीम डालोगे, मलाई डालोगे, यानी कि आप बजट दोगे तो प्रोड्यूसर बनाएगा। और एक टीम, देखिए ये जो जैसे गवर्नमेंट वाले हैं बहुत मेहनती लोग हैं, पर वो उनके कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि मालूम है आज उन्होंने काम नहीं किया तो उनको निकाल नहीं सकते, वो परमानेंट जॉब है, उनको ट्रांसफर कर देंगे। पर अगर आप एक टीम, प्रोफेशनल टीम लाते हैं तो उनके गर्दन पे चाकू रहता है सर, बंदूक रहती है कि मैंने काम नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा, फिर मैं 6 महीना कहां काम करूंगा। तो ऐसी एक प्रोफेशनल टीम चाहिए जो चैनल लोगों के पास है, जो प्रोग्रामिंग हेड होता है, क्रिएटिव्स होते हैं, जो और दूर चैनल क्यों आज सरवाइव कर रहा है, क्योंकि वो रोज देखते हैं कि कौन सा करेक्टर आज हिट है। देखिए वो आज शूट करेंगे तो कल टेलीकास्ट होगा, वो ये देखते हैं कि वीकली टीआरपी देखते हैं और उस टीआरपी के हिसाब से वो मोल्ड करते हैं करेक्टर्स को, और तभी तो जाके वो 2 की टीआरपी 3 की टीआरपी 4 की। दूरदर्शन ने आपने दे दिया 104, जमा कर दिया भैया 15 दिन के अंदर जमा कर दो, नहीं तो आपकी टीआरपी आपके पैसे कटेंगे, तो प्रोड्यूसर घबरा जाता है, जो होता है लपेट देता है और सबमिट कर देता है। अब ऐसे में उसका कोई माँ बाप नहीं है, टेक्निकल टीम बैठी है दूरदर्शन में, देखती है टेक्निकल। अब उनको टेक्निकल टीम को क्रिएटिव से कुछ लेना देना नहीं है, वहां कुछ नहीं लेना देना नहीं है। यही चीज है कि एक अच्छी टीम है दूरदर्शन, एक अच्छी टीम को हायर करे, पैसा इन्वेस्ट करे और उनके उनको रहे कि भैया 6 महीना साल भर का है, आप हमें प्रोग्रेस बताइए, नहीं तो ये आउट, दूसरे लोग आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इनर कंपटीशन, एक इनर कंपटीशन तो वहां पर निर्माण हो सकती है। कंपटीशन जब तक नहीं होगा आपके शोज नहीं बनेंगे। जी। आज मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं अच्छा नहीं बनाऊंगा, निकाल के बाहर कर दीजिए, मेरे को 104 का आपने मुझे अप्रूवल दिया है, 52 में बाहर कर दीजिए, मेरी टीआरपी नहीं है। मैं फिर टीआरपी को लाने के एमओयू, इस तरह से एमओयू जो है वो हो सकता है कि इस तरह से वो एमओयू में बदलाव करे। इट इज रिटन इन द एग्रीमेंट कि अगर हमें पसंद नहीं आया तो आपको 2 वीक का टाइम देंगे, दूरदर्शन के एग्रीमेंट में निकाल देंगे। तो उस डर के कारण मुझे टीआरपी मेंटेन करनी पड़ती है। आज मेरी टीआरपी रही तो मेरे 400 एपिसोड चले, टीआरपी नहीं है तो कैसे चले। सही बात। तो ये जो चर्चा का आज का जो विषय था, दूरदर्शन की उपलब्धि और आज की दूरदर्शन की परिस्थिति, इस विषय पर हमने सभी के विचार सुने और हमने देखा भी कि आज जो भी चर्चा में थे सबका प्यार दूरदर्शन पर है, बस जरूरत है, सबकी इच्छा है, आकांक्षा है कि दूरदर्शन एक बार फिर से उस मुकाम को हासिल हो। एक ऐसे सक्षम कलाकारों की और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद है जो आज भी चाहती है कि हम दूरदर्शन के साथ काम करें। एक मराठी में गीत है, बहुत ही सुमधुर गीत है, वो लता मंगेशकर जी का गाया हुआ, मी रात टाकली मी कात टाकली। तो कुछ इसी तरह से दूरदर्शन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो कात जो है डालनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक नया प्लेटफॉर्म कलाकारों के लिए, सभी प्रोड्यूसर्स के लिए और सभी को मिल सकता है, दर्शकों के लिए एक अच्छी एक परवणी जिसे कहते हैं वो साबित हो सकती है। मैं हमारे तमाम महानुभाव जिन्होंने इस चर्चा में शामिल हुए, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और दर्शकों से इस वक्त हम विदा लेते हैं, आप बने रहे हमारे साथ में इन विषय न्यूज़ पर। सभी का धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।